हमारी आज की कहानी का शीर्षक है इंतजार। दिसंबर माह के 31 तारीख की बेहद ठंडी रात 1:30 बज रहे थे। समय काटना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। एक एक पल एक एक सदी की तरह कट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे अपने लिए नई राह चुननी है। एक तरफ प्यार भरे जीवन का अनंत आकाश था तो दूसरी तरफ माँ का ममता से भरा हृदय। मुझे ही तय करना था कि मैं अपना सारा जीवन मोहित को सौंप दूं या माँ की इच्छाओं का सम्मान कर उनके बताए लड़के से शादी कर लूं। यूं तो अक्सर बेटियां माँ बाप के कहने से अपना जीवन एक अनजान लड़के को सौंप देती हैं, लेकिन कुछ ही साहसी लड़कियां होती हैं जो स्वयं अपना जीवन साथी चुनती हैं। मैं विचारों के संसार में विचर रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, दिल धड़क रहा था, घबराहट सी हो रही थी। ये फैसले की घड़ी थी। यदि आज मोहित के साथ न जा सकी तो फिर कभी भी न जा सकूंगी। इस घड़ी का महीनों से मुझे और मोहित को इंतजार था। आज तो जाना ही होगा। एक तरफ माँ का मोह तो दूसरी ओर मोहित का प्यार भरे सुखद जीवन का आश्वासन। मोहित की जिद पर ही मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे फैसले में किसी और की राय भी तो नहीं ली जा सकती थी। मुझे मालूम है कि मेरी भोली माँ शायद ही ये सदमा सहन कर पाए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ था। केवल मेरे कमरे में टेबल लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी में मोहित के प्यार भरे खत को मैं कई बार पढ़ चुकी थी। लिखा था, मेरी जीवन संगिनी पारुल, कल रात ठीक 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगा। और भी बहुत कुछ लिखा था जो मुझे रोमांचित करने के लिए काफी था। कल दोपहर की ही तो बात है जब हम दोनों कॉफी हाउस में बैठे उस संसार को सजाने की बात कर रहे थे जो हमारे लिए एक सुंदर स्वप्न की अनुभूति जैसा था। सारी योजना बन चुकी थी, केवल अब उसे मूर्त रूप देना ही शेष था। मोहित की सलाह पर मैंने मेरे दहेज के लिए संभाल कर रखे गए रुपयों और जेवरों को एक बैग में रख लिया था। मोहित के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे, ताकतवर होने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। उन व्यक्तियों से कमजोर और कोई नहीं होता जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता। मैंने पूछा था, मोहित कहाँ जाएंगे? बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था, तुम मुझ पर विश्वास करो। और मेरा मन उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था। मैंने आज शाम को अपने निर्णय से माँ को अवगत कराते हुए बताया था। माँ, तुम मोहित को तो जानती ही हो, वो कई बार आया है हमारे घर। मैं उसी के साथ घर बसाना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारे मामा एक लड़के को देख आए हैं, वो हर तरह से तुम्हारे योग्य है और वो इसी रविवार को आ भी रहा है तुमसे मिलने के लिए। हम सभी तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित और प्रयत्नशील हैं। थोड़ा सा हमें वक्त दो, सुखद समय की प्रतीक्षा करो, थोड़े से धैर्य की जरूरत है, बस फिर सब अच्छा ही होगा। माँ एक ही सांस में सब कुछ कह गई, पर मैं मोहित के सम्मोहन में इस कदर जकड़ी हुई थी कि माँ की हर बात मेरी समझ से परे थी और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। इस विषय पर हमारी काफी तीखी बहस हुई। आखिरकार माँ समझ गई कि मुझ पर एक नासमझ जिद सवार है और ये जिद किसी अन्य बात को अपने आगे टिकने नहीं देगी। माँ ने फिर कहा, उसके भरोसे तुम ये कर और मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। ये मेरी अंतिम सलाह है बेटी। माँ के स्वर नम पड़ गए थे। मैंने लापरवाही से कहा, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मोहित को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा भी है। धोखा वही खाते हैं जो विश्वास करते हैं। ये कहते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। अब फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। मैंने घड़ी को देखा तो 3 बज चुके थे। मैंने सोचा अब चलना चाहिए। धीरे से लैंप बुझाया, बिना आवाज किए बाहर आंगन में आई तो नीले आसमान में तारे ही तारे छिटके हुए दिखाई दिए। आसमान नाचते मोर के पंख जैसा लगा। ठंडी हवा का एक झोंका बदन से आकर टकराया। इस झोंके की परवाह ना कर मैं आंगन पार कर घर का बंद मुख्य दरवाजा खोलने वाली ही थी कि हृदय की गहराइयों से आवाज आई, ये क्या कर रही हो पारुल? क्या यही हमारे परिवार की परंपरा है? क्या होगा इस प्रतिष्ठित परिवार की इज्जत का? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ये दूसरी आवाज थी। तुमने कभी अपने पिता को तो देखा नहीं क्योंकि वो बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन माँ ने कैसे तुम्हें पाला? क्या ये भी तुमसे छिपा है? नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन ये भी सच है कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार होता है। शायद ऐसा ही वो भी सोचता है। इस विचार की पुष्टि में मेरा मन मेरे साथ खड़ा था। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है पारुल, मोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, चलो जल्दी करो।
मन के अंदर से आदेशात्मक आवाज आई, नहीं ये पूरी तरह गलत है पारुल। जो चीज गलत है उसे चाहे जिस तर्क के लिबास में लपेटा जाए वो गलत ही रहेगी। दिमाग बोल रहा था, कल क्या होगा? तुमने सोचा है कभी क्या होगा? जब हसाई होगी, लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे खानदान पर इल्जाम लगाएंगे, अनर्गल बातें करेंगे, कहेंगे लड़की भाग गई। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पारुल, दिल से नहीं दिमाग से काम लो, अभी भी वक्त है, मत जाओ। अभी घर की बात घर में है। मुझे अपना सिर भारी से लगने लगा। मन और दिमाग के इस सवाल जवाब की फेहरिस्त से मैं परेशान होने लगी। मुझे लगा कि यदि और ज्यादा देर तक सोचती रही तो शायद फिर मैं कभी भी उसके साथ न जा सकूंगी। मैंने अपने सिर को जोर से झटका देकर विचारों से मुक्त होने का असफल प्रयास किया और दरवाजा खोलकर घर से बाहर गली में आ गई। गली पूरी तरह सुनसान थी। मुख्य सड़क पर आई तो एक ऑटो वाले ने मेरे हाथ में बैग देखकर ऑटो रोक दिया। मैं ऑटो में बैठी और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे शहर छूट रहा था। शहर क्या छूट रहा था? माँ छूट रही थी, मेरा अतीत छूट रहा था, वे गलियां छूट रही थी जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैंने आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास किया। मैं सोच के समंदर में डूबती उतराती रही। तभी रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा। ऑटो रुका, मैं उतरी। तभी अंधेरे से मोहित प्रकट हुआ। उसको देख मुझे ऐसा लगा कि वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने ही ऑटो के पैसे दिए। मेरा बैग हाथों में लेकर वो तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचकर उसने एक बेंच के पास बैग रख कर कहा, बैठो। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि उसने फिर कहा, सब ठीक है? मैंने सहमति में सिर हिलाया। वो कुछ देर तक चुप रहा। शायद उसका चुप रहना उसे ही असहनीय सा महसूस हो रहा था। वो फिर बोला, गाड़ी 1 घंटा लेट है। मैं कुछ नहीं बोली तो उसने कहा, अभी आता हूँ। वो दौड़कर 2 कॉफी ले आया। हम दोनों ने खामोशी से कॉफी पी। उसने धीरे से स्नेह भरे लहजे में पूछा, रुपए जेवर तो साथ ले आई हो ना? अचानक माँ की अंतिम सलाह दिमाग में कौंधी, जिसके भरोसे तुम ये घर और मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। ये मेरी अंतिम सलाह है बेटी, सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा। नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया था, मैं कुछ भी साथ नहीं ला सकी। क्यों? लॉकर की चाबी माँ ने न जाने कहाँ रख दी। दिन भर ढूंढती रही, मिली ही नहीं। उसका सांवला गोल चेहरा गुस्से से सुलग उठा। अचानक वो बिफर उठा। उसका इस तरह बिफरना मेरे लिए अप्रत्याशित था। वो पहले तो धीरे धीरे बोल रहा था, फिर उसका दिमाग असंतुलित हो उठा और वो अचानक गुस्से से चीखने सा लगा, क्यों आई हो खाली हाथ? क्या होगा परदेश में बिना पैसे के? कितने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था और जाने क्या क्या वो कहता चला गया। उसे इतना असहज होते हुए मैंने पहली बार ही देखा। मैंने कहा, पहले मेरी बात भी तो सुनो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने क्रोध में मेरा हाथ झटक दिया। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना था। मैंने उसके क्रोध के सागर में एक भंवर उठते देखा जिसमें मुझे डूबने का खतरा नजर आया। मैंने सोचा सच बता ही दूं कि मैं तुम्हारे अनुमान से अधिक धन लेकर आई हूँ, लेकिन तभी मन ने कहा, ठहरो, पहले इसे परख तो लो। और मन का कहा मानकर मैं चुप ही रही। मोहित न जाने क्या क्या कहता रहा और मैं सुनती रही। मैं जिस मोहित को जानती थी ये वो तो बिल्कुल न था। मेरे लिए वो पत्थर का नहीं जीता जागता देवता का रूप था, लेकिन आज मुझे वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर लग रहा था। मुझे आज पहली बार अपनी पसंद पर दुख हुआ। सोचा, क्या मेरा चुनाव सही था? मुझे अपने चारों ओर अंधा घना जंगल सा महसूस हुआ जिसकी सभी राहें मानो गुम हो, और मैं जिन संभावनाओं से जुड़ी हुई थी उसमें मुझे अपना अस्तित्व हवा में झूलते हुए जालों की मानिंद महसूस हुआ। मुझे मेरी ही निराशा लहूलुहान कर रही थी। प्यार का सागर कुछ पलों में ही सूख गया था। मोहित बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर जल्दी से बोला, सुनो पारुल, मैं बिना पैसे के इस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता हूँ। यदि तुम मेरा प्यार और जीवन भर साथ चाहती हो तो कल इसी समय इसी ट्रेन से चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी से आना। मैं टिकट कैंसिल करवा कर कल का रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। मोहित की पोल खुल चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब मैं उसकी बातों के सम्मोहन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। मैं भी मोहित को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी के दामन को ओढ़ कर अपने में ही दुबक कर रह गई। मैंने सोच लिया कि ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन काटना मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। वो न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा और अचानक झुंझला कर तेजी से चला गया। उसके जाते ही मैंने एक गहरी सुख की सांस ली। अब मेरा मन शांत होकर एक तूफान के गुजरने के बाद की शांति महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में कहीं जगह हो ना हो, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक ऐसी छत है जिसके नीचे मेरा कमरा और उस कमरे में मेरा बिस्तर है जो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अभी इतनी दूर भी नहीं आई थी कि मेरा लौटना असंभव होता।
मैं मन ही मन हंसी और सधे हुए कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर आई। कब मैंने ऑटो किया, कब बैठी और कब घर आई, मुझे बिल्कुल याद नहीं। हाँ, मुझे इतना अवश्य याद है कि माँ के तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकालकर लॉकर में सारे जेवर और रुपए यथा स्थान रखकर मैं अपने बिस्तर पर चली गई। मुझे अब इंतजार था आने वाले रविवार की और आने वाले उस नव युवक की जो निश्चित रूप से मेरा जीवन साथी होगा, ऐसे मुझे विश्वास है।